और उधर जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हंगामा है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव अब तक नहीं हुए। अब चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन शुरू करने की बात कही तो फिर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी बाहर से 25 लाख लोगों को घाटी में लाकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रही है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी ये कम करेंगे, यहाँ तो आप डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहां पर लागू है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में चुनाव का रास्ता जैसे ही खोलने की पहल हुई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का बीपी बढ़ने लगा। वजह, चुनाव आयोग का एक ऐलान, एब्रोगेशन ऑफ 370। उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। जहां पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहां पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। जो वहां इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AERO हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहां पे ऑर्डिनरीली रहता है। इन 20-25 लाख लोगों में जम्मू कश्मीर के वो नौजवान होंगे जो 18 बरस के हो चुके हैं, लेकिन अब की बार उन लोगों को भी वोटिंग का मौका मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए करीब 4 लाख शरणार्थी हैं, वाल्मीकि समुदाय के 10,000 लोग, गोरखा समुदाय की 6600 के करीब आबादी है और राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को भी मौका मिलेगा। जिन प्रवासी मजदूरों को आतंकी गोलियों से भून देते हैं उन्हें भी सर्विस वोटर की हैसियत से ईवीएम का बटन दबाने का अधिकार चुनाव आयोग देगा। बस इसी बात ने महबूबा मुफ्ती की नींद हराम कर दी है। तिलमिलाहट में फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। बीजेपी आप बाहर वालों को लाना चाहती है अपना जो एजेंडा पूरा करने के लिए, बट मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी जिस दिन भी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर के लोग बाहर निकलेंगे और वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे थ्रू द बैलेट। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अमरनाथ यात्रा के दौरान भी छाती पीट रहे थे। जैसे जैसे अमरनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनके सीने में टीस बढ़ रही थी। और अब जबकि लोकतंत्र के इकबाल का रास्ता खुल रहा है, ये उस रास्ते पर अड़ंगे की ईंट से चुनाई कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, कोई ऑटोनमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई जमीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। जम्मू कश्मीर में अब तक या तो मुफ्ती या अब्दुल्ला खानदान का राज रहा, लेकिन इस बार तकाजा ऐसा है कि तख्तोताज मुश्किलों में पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में 2019 में 78.45 लाख वोटर थे। लद्दाख के अलग होने के बाद वोटरों की संख्या 76.70 लाख रह गई और अब जबकि 25 लाख के करीब नए नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़ जाएंगे तो वोटरों की संख्या करीब 1,01,70,000 हो जाएगी। जम्मू के वोटरों में बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत है और अगर कश्मीर में भी उसकी स्थिति मजबूत हुई तो मानकर चलिए कि सत्ता से दोनों खानदानों की विदाई पक्की है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।